हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरुद्ध दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में, और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस जनरल स्टडी बूस्टर सेशन में। और जनरल स्टडी बूस्टर सेशन में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है जिसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया को दो भागों में दोस्तों बांट करके पढ़ा जा सकता है। भारत में संवैधानिक विकास एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का है, और दूसरा जो है वो ब्रिटिश क्राउन के समय का है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का जो कह सकते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो उनके लॉ के अकॉर्डिंग कब कब कौन कौन से लॉ है उसके अकॉर्डिंग, पहला जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया वहां से लेकर के चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक है, और उसके बाद ये लास्ट चार्टर था 1853 वाला। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन शुरू हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद, तो 1858 से लेकर के ब्रिटिश क्राउन चलता है, और अंतिम एक्ट जो आता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन जिसको हम लोग इंपॉर्टेंटली बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यहां तक जो है ये आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का सेकंड फेज आपको दिखाई पड़ता है। तो हम लोग आज जो बूस्टर बना रहे हैं वो इसी का है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश क्राउन का। तो इसके बारे में पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का एक गवर्नर था जिसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1772 में, और इसी बंगाल के गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1773 में गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पहले गवर्नर था ये बंगाल का, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, इतनी सी बात सबको ध्यान रहेगी। और इस रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि उस समय जो दो प्रेसिडेंसीज और थी, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों प्रेसिडेंसीज को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो अब मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर रहेगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसमें चार सदस्य थे, और जिसका हेड जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स को इस इन मेंबर्स के साथ, जो अन्य तीन मेंबर्स थे उनके साथ कह सकते हैं कि उनका झगड़ा हुआ करता था हमेशा, वो एक दूसरे की बात नहीं माना करते थे, और ये डिस्प्यूट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जा करके सॉल्व किया जाता था। पहली बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट किया गया इसी एक्ट के द्वारा। ये बहुत पूछा था एग्जाम में किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ, जिसके पहले जो चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने काम को करने में असफल रहा, क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया गया था कि वास्तविक रूप में जो लॉ है, जो कानून है, वो कौन से लगेंगे, इंडियन लॉ लगेंगे या ब्रिटिश लॉ लगेंगे, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्योंकि फेल हुआ, इसी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1774 में, और इन्होंने इस बोर्ड ऑफ काउंसिल को, ये गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को डिसॉल्व करके इसकी जगह पर दो बोर्ड एस्टैब्लिश किए, एक तो हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में जितने भी ट्रेड रिलेटेड जितने भी अफेयर्स थे वो सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थे, और बाकी रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल रिलेटेड और मिलिट्री रिलेटेड जितने भी कह सकते हैं कि अफेयर्स थे वो सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन किए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि यहाँ पर इंडियन लॉ लगेगा या ब्रिटिश लॉ लगेगा, वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश लॉ को ही फॉलो किया जाएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण कदम हुए पिट्स इंडिया एक्ट के, और इसी एक्ट के द्वारा जो है फिर इसी एक्ट के दौरान ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद वो लंदन चला गया, और लंदन में फिर उसके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया गया, काफी लंबा इम्पीचमेंट चला। पहला व्यक्ति जिसके ऊपर इम्पीचमेंट चला उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात कर लेते हैं, अगला एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट आया। अब यहां से आगे चार्टर एक्ट ही आएंगे इन दोनों एक्ट के बाद, क्योंकि कंपनी को कंट्रोल करने के बाद अब अंग्रेज नहीं चाहते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं चाहता था कि वो फिर कंट्रोल से बाहर हों, इसलिए चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। और चार्टर एक्ट में पहला जो एक्ट आया वो 1793 का है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बल्कि जो कंपनी के जो राइट्स हैं, ट्रेड रिलेटेड राइट्स जो हैं, उनको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था 20 सालों के लिए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कंपनी के लोगों को रेवेन्यू जो मिलेगा, सैलरी जो मिलेगी वो इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी, भारतीय राजस्व से दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया, इस कह सकते हैं इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, कि जितने भी जो व्यापारी लोग होंगे जो ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने आएंगे, उन्हें लाइसेंस लेना जो है वो मैंडेट था कि उनको लाइसेंस लेकर के ही भारत में आकर के व्यापार करना है, अदरवाइज उन्हें व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, क्योंकि 20 ईयर के लिए था तो 20 साल बाद ही चार्टर एक्ट आया 1813 में। इसमें जो कंपनी के ट्रेड रिलेटेड मोनोपोलीज थे वो ऑलमोस्ट जो है वो बंद कर दिए गए, खत्म कर दिए गए उनके मोनोपोलीज, लेकिन
चाय और अफीम के व्यापार से रिलेटेड जो मोनोपोली कंपनी की थी वो अभी भी कंटिन्यूशन में रखी गई। इसके अलावा भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिकार मिल गया, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए अधिकार मिल गया। और क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए क्योंकि अधिकार मिला तो जो इसके अलावा लाइसेंस LICENSE है, ये गलत हो गई स्पेलिंग, तो लाइसेंस जो है वो ट्रेड रिलेटेड जितने भी लाइसेंस हैं रिसाइड करने के लिए, बसने के लिए, भारत में बसने के लिए और भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस रखना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद यहां देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ऑल ट्रेड मोनोपोलीज एंडेड, जो भारतीय चाय और ओपियम की व्यापार की जो छूट यहां दी गई थी उस व्यापार की छूट भी को भी समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ जो इनके जो कंपनी थी उसको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में ही रख दिया गया। ये कंपनी जो है अब एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट मात्र रह गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो बंगाल का है, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसे जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था यहाँ पे जो बनाया गया था 1773 में, उसी को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बैठाया जाएगा अब। मतलब वही लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बैठेंगे और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। इसी समय लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया जिसका जो चीफ था वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और उसी समय आईपीसी और आईसीसीपी ये जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए भारत में। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड और आईसीसीपी का मतलब है, आईसीसीपी का मतलब है इंडियन सिविल एंड क्रिमिनल को कह सकते हैं पेनल जो कोड है वो, उसको आईसीसीपी के रूप में जाना गया। इसके अलावा लास्ट चार्टर एक्ट आया 1853 में। इसमें लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो कंपनी के सेपरेट कर दिए गए। जो कंपनी थी अब वो उसके प्रशासनिक और विधिक कार्य जो है वो सेपरेट कर दिए जाएंगे। और इसी के द्वारा भारत में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जाएगी जिसमें 12 सदस्य होंगे। इस प्रकार से भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये था पूरा का पूरा इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश क्राउन। अगले बूस्टर में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर ब्रिटिश क्राउन में क्या क्या चीजें हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बूस्टर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे रिवाइज करने के लिए बार बार पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।